हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में फिफ्थ चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। स्टूडेंट, इसमें हमने लास्ट में एक्सरसाइज 5.7 देखी थी और हमने 5.8 को करने के लिए जो नेसेसरी टूल्स होंगे जो कि बेस्ड है आपके रॉलेस थ्योरम पर, आपकी एक्सरसाइज 5.8 और मीन वैल्यू थ्योरम पर, उसे स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे आपके रॉलेस थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, उसे जरा समझ रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम रॉलेस थ्योरम। सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द रॉलेस थ्योरम, इफ यू हैव अ फंक्शन एफ सच दैट, इफ यू हैव अ फंक्शन एफ सच दैट इट्स डोमेन इज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड इट्स रेंज आर बिलोंग्स टू द रियल नंबर, देन इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी, कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ एक्स इज डिफरेंशियबल and f x is differentiable in open interval a b, and the third important point is if f a is equal to f b, the value of f a is equal to f b, if all these three conditions are satisfied, then according to the Rolle's the value of f dash c becomes vanish। ठीक है ना, ये हमारा इसका स्टेटमेंट है रॉलेस थ्योरम का। इन सभी बातों को जरा समझते हैं स्टूडेंट, हुआ क्या इसमें। हमसे बोला गया इफ यू हैव अ फंक्शन एफ सच दैट इट्स डोमेन इज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड इट्स रेंज इज बिलोंग्स टू द रियल नंबर आर एंड द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशियबल इन ओपन इंटरवल ए बी एंड वैल्यू ऑफ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, देन देयर मस्ट बी अ पॉइंट एग्जिस्ट इन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी सच दैट द वैल्यू ऑफ एफ डैश सी बिकम्स जीरो। ये इसका स्टेटमेंट है। तो समझते हैं तीनों को, ये तीनों पॉइंट अगर हमें समझ में आ जाए, ध्यान रखिए ये तीनों कंडीशंस हैं, मतलब ये रॉलेस थ्योरम ये नहीं है। रॉलेस थ्योरम ये है कि अगर तीनों कंडीशंस फुलफिल होती है तो रिजल्ट जो है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट बोलता है कि द वैल्यू ऑफ एफ डैश सी वैनिशेस, मतलब जीरो के इक्वल हो जाएगी। ये रिजल्ट है और यही है रॉलेस थ्योरम। ये तीन पॉइंट्स हैं जो रॉलेस थ्योरम के लिए नेसेसरी पॉइंट है। अगर रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल होगी वो तभी होगी जब ये तीनों पॉइंट्स होंगे सेटिस्फाई। तो तीनों पॉइंटों को हमें पता होना चाहिए एक्जैक्टली वो किस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, तो स्टूडेंट मैं सीधे एग्जांपल से ही बात करता हूँ, ऐसा करता हूँ एग्जांपल से ही मैं बात करता हूँ। ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ, एक कुछ आपको समझाता हूँ। पहली बात, एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, कंटिन्यूटी हमने एक्सरसाइज 5.1 देखी है। फिर एक्सरसाइज 5.2 में कुछ हमने थोड़ा बहुत डिफरेंशियबिलिटी के एक दो क्वेश्चन देखे थे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन डिफरेंशियबिलिटी के थे नहीं, लेकिन फिर भी आप जानते हैं डिफरेंशियबल कैसे होती हैं चीजें। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता दूंगा किस तरह से डिफरेंशियबिलिटी को करते हैं, और लास्ट पॉइंट तो फिर लास्ट ही उसे समझ लेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर रहा हूँ कंटिन्यूटी से। अगर मैं आपको पूछूं कि एक फंक्शन ये एफ एक्स है और मैंने लिखा 1/(x-2), तो स्टूडेंट अगर मैं पूछता हूँ क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी भी x की वैल्यू के लिए, मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, क्या ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो आप कहेंगे कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि अगर इस पर आप x की वैल्यू 2 रख कर देखेंगे तो x इक्वल टू 2 रखने पर एफ एक्स की वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाएगी ना। तो x इज इक्वल टू 2 पर आप बोलेंगे कि ये कैसा है, नॉट डिफाइन है। नॉट डिफाइन का मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि अगर आप इसका कुछ फंक्शन बनाते हैं, कुछ किसी भी तरह का अगर ये फंक्शन बनता है, मैं रैंडमली बना रहा हूं, तो आप अगर x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू चेक करें तो आप y की वैल्यू क्या रखेंगे, बेसिकली ये y तो है। ठीक है ना, आपने x इज इक्वल टू 2 पर देखा वैल्यू इन्फाइनाइट आ रही है, मतलब आप यहां तक वैल्यू हर x के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलती रही थी, लेकिन जैसे ही आप x इज इक्वल टू 2 के पॉइंट पर पहुंचे तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने वैल्यू कौन सी लिखनी है, क्योंकि इन्फिनिट वैल्यू आ रही है और इन्फिनिट नंबर लाइन में कहीं दिखाई नहीं जा सकता। तो इसीलिए यहां पर एक डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हो जाएगी, इसे हम एक होल से ऐसे दिखा देते हैं, तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पर। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, मतलब सबसे पहली बात ऐसे टाइप के फंक्शन पर आपके रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है जहां पर डिसकंटिन्यूटी क्रिएट होती है। ठीक है, अगर स्टूडेंट मैं बोलूं कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 हो जाता तो क्या अब ये कंटिन्यूअस है, यस अब ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं ये एक लाइन की इक्वेशन है, आप जानते हैं ना वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 टाइप की लाइन की इक्वेशन है, एम की वैल्यू यहां पर आप कंपेयर करें तो 1 है और सी इसमें माइनस 2 है। अगर मैं रफली ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ ऐसा बनता है ना 0, -2 का, एम पॉजिटिव है इसलिए एक्यूट एंगल पर बनेगा, और ये अगर आप थोड़ा बहुत समझते हैं इस बात को, अगर आपने क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मैंने फिजिक्स में बहुत इस्तेमाल किया है, वहां से आप समझ सकते हैं इस बात को, सी को इसने इंटरसेक्ट किया माइनस 2 पर, ये इसका वाई इंटरसेप्ट हो गया, एम क्योंकि पॉजिटिव नंबर है इसलिए एक्यूट एंगल पर हुआ। ये एक लाइन की क्वेश्चन, आप जानते हैं कि ये लाइन कहीं पर भी डिसकंटिन्यूस नहीं होने वाली, क्योंकि देखकर ही पता चल रहा है कि कोई भी आप एक्स की वैल्यू रखने के लिए फ्री है, इंडिपेंडेंट है, हम कुछ भी एक्स की वैल्यू रखने के लिए, कोई भी एक्स की वैल्यू ऐसी नहीं है जो इसे इन्फाइनाइट बना दे रही है, तो इसलिए ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। समझ में आ रही बात, तो स्टूडेंट ध्यान रखें लीनियर इक्वेशन हो, ये लीनियर इक्वेशन है ना, ये लाइन की इक्वेशन है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या फिर कोई क्यूबिक इक्वेशन हो या कोई बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल अगर हो,
कोई भी अगर पॉलिनोमियल हो तो ध्यान रखिए कोई भी पॉलिनोमियल अगर हमारे पास होगा तो उस पॉलिनोमियल में ध्यान रखना कि वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। अब ये कहीं पॉलिनोमियल मत समझना, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर किसी ने ऐसे लिख दिया 1/(x²+2x-3) ये पॉलिनोमियल नहीं है स्टूडेंट, ध्यान रखें। आप इसे क्वाड्रेटिक नहीं कह सकते, अगर ये चीज वन हट जाता तो अब ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। तो जो भी पॉलिनोमियल होंगे ध्यान रखना वो सारे पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते ही होते हैं, क्योंकि उनमें x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं रहती जो कि फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस बनाती है इस टाइप से, ठीक है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि फंक्शन कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है, कि फंक्शन में कहीं भी डिसकंटिन्यूटी ना, एक फंक्शन कहीं पर भी ब्रेक ना हो, समझ में आ गई एक बात। पहली बात तो ये कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, ठीक है ना, एक बात तो ये हो गई रोल्स थ्योरम के लिए। अभी मैं एग्जांपल लेकर जब बातें करूंगा तो पूरी बात समझ में आएगी। अभी फिलहाल आप कंटिन्यूअस को थोड़ा समझ गए ना, कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, ठीक है। और बोला गया कि क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, अभी मैं क्लियरली समझाता हूं उसका मतलब क्या होगा। अब दूसरी बात है डिफरेंशियबिलिटी। स्टूडेंट डिफरेंशियबिलिटी इस वर्ड को मैंने पहले भी इस्तेमाल किया बहुत बार, मैंने यहां तक कि क्लास 11th में भी इसके बारे में बहुत कुछ बताया था फिजिक्स में। जरा समझते हैं दोबारा से, मैं शुरुआत से बता रहा हूं क्या क्या हो सकता है। स्टूडेंट आपको याद होगा अगर कोई लाइन की इक्वेशन अगर हमारे पास गिवन है x1 y1 x2 y2, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है ना, मैं जनरली बात कर रहा हूं, तो लाइन का स्लोप क्या होता है y2 - y1 / x2 - x1। इतना हमारा जनरल नॉलेज है कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट से होकर पास कर रही है x1, y1 और x2, y2 से, तो लाइन का जो स्लोप होता है उसकी इक्वेशन ये होती है। और हम ये भी जानते हैं कि लाइन की जो, देखिए स्टूडेंट मैं ऐसा करता हूं, मैं थोड़ा सा एक बार आपको स्ट्रेट लाइन का थोड़ा सा ब्रीफ स्केच बता देता हूं क्योंकि आगे काम आएगा, मैं फटाफट थोड़ी सी कुछ बातें बोल रहा हूं, देखना जरा। ये अगर हमारे पास स्टूडेंट एक लाइन है जिसने कि x एक्सिस का थीटा एंगल बनाया, ध्यान रखिए इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि ये चीजें जो है आज क्योंकि हम सिर्फ कॉन्सेप्ट देख रहे हैं इसलिए मैं इसे थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं, आगे भी काम आएगा जरूर ध्यान रखना। अगर ये लाइन आपकी एंगल थीटा बना रही है, मैं स्ट्रेट लाइन का हल्का सा एक रिवाइज करवा रहा हूं, तो आप देखेंगे कि ये लाइन अब यूनिक हो चुकी है। अगर मैं बोलता हूं कि एक लाइन है किसी एंगल थीटा पर, तो अभी ये यूनिक नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि एक लाइन एंगल थीटा पर है एक्स एक्सिस के साथ और इसका एक पॉइंट x1, y1 है, अब ये लाइन बिल्कुल यूनिक है क्योंकि इस पॉइंट से और इतने एंगल पर जाने वाली सिर्फ एक ही लाइन पॉसिबल है और कोई दूसरी लाइन ऐसी नहीं हो सकती जो दोनों ही कंडीशन को साइमल्टेनियसली क्या करे, सेटिस्फाई। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एंगल थीटा पर ही वो पॉइंट इससे ही जा रही हो और वो दूसरी लाइन हो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ऐसा हो सकता है इसी पॉइंट से जाए लेकिन उसका एंगल बदल जाएगा, ठीक है ना, और इसी एंगल पर जाए तो पॉइंट बदल जाएगा। ध्यान रखें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने पर लाइन यूनिक बन जाती है, मतलब अगर लाइन को यूनिक बनाना है तो ये एक तरीका है। एक तरीका दूसरा भी स्टूडेंट लाइन को यूनिक बनाने का है, वो ये कि अगर लाइन किसी दो गिवन पॉइंट से जा रही हो, अगर हमें दो गिवन पॉइंट पता हो x1, y1 and x2, y2, अगर हमें दो पॉइंट गिवन हो x1, y1 x2, y2, इस बार हमें एंगल नहीं गिवन है, तो आप देखेंगे इस बार लाइन ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो चुकी है, यूनिक हो चुकी है क्योंकि इन दोनों पॉइंटों से होकर जाने वाली लाइन सिर्फ एक ही हो सकती है। आप सोच के देखें, एक पॉइंट से तो चलो ये चली जाएगी, इस पॉइंट से सिंगल ये चली जाएगी, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि दोनों ही पॉइंट से लाइन जाए तो सिर्फ और सिर्फ यही लाइन हो सकती है, पॉसिबल यही है। इसका मतलब ये दो कंडीशंस हैं, डिफरेंट कंडीशन, इंडिपेंडेंट है दोनों एक दूसरे से, या तो हमें थीटा गिवन हो एक्स एक्सिस के साथ या एक पॉइंट गिवन हो, मतलब दोनों एक साथ गिवन हो, या फिर हमें दो पॉइंट गिवन हो तो लाइन हमारी यूनिक होती है। अब स्टूडेंट इस केस में जब ऐसा कभी गिवन होता है तो स्लोप की वैल्यू निकालने का तरीका है टेन थीटा। क्या तरीका है? टेन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल मेजर्ड विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और यहां पर जो आपका स्लोप निकालने का तरीका है स्टूडेंट्स वो क्या है, y2 - y1 / x2 - x1, ये यहां पर स्लोप निकालने का तरीका है, ठीक है, y2 y1 आपको सब समझ में आ रहा है। अब स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट तरीके हैं, अब मैं सोच रहा हूं कि इस स्लोप और उस स्लोप में कुछ क्या पता कोई रिलेशन क्या हो सकता है, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं एक ही लाइन की भी बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझे बात, अगर मैं कह रहा हूं कि यही लाइन वो है और वही लाइन वो है, मतलब दोनों लाइनें सिमिलर हैं, बस अलग अलग तरीके से हमने उन्हें निकाला, यहां पर हमें दो पॉइंट्स गिवन थे तब निकाला, यहां पर दूसरा पॉइंट अननोन था, हमारे पास एंगल था उसकी मदद से निकाला। अगर मैं चाह रहा हूं कि दोनों लाइनें एक ही है, मतलब दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाए, तो इसका मतलब ये लाइन का एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा अगर दोनों लाइनें एक जैसी है तो, और यहीं इसमें भी कहीं ना कहीं वो दो पॉइंट इसमें एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो अगर इसका एंगल थीटा हो गया तो ये लाइनें सिमिलर हो गई। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, जरा समझिए बात को, आराम से समझना, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये डिस्टेंस कितना है, आराम से समझिए डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस y1 है, मैं लिख नहीं रहा हूं, y1 है, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा लिखने में, ये y1 है ना दिख रहा है, ये डिस्टेंस स्टूडेंट कितना है, ये y2 है, ये डिस्टेंस पूरा y2 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस कितना होगा, इतना डिस्टेंस आप देखेंगे पूरा डिस्टेंस y2 है, इसमें से इतना डिस्टेंस y1 है, तो ये डिस्टेंस स्टूडेंट कितना होगा, y2 - y1 कितना होगा, y2 - y1 कितना डिस्टेंस, मैंने बोला सिर्फ यहां से लेकर यहां तक का, कॉम्प्लिकेट मत करना, आराम से समझना बात को, y2 - y1 यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हुआ, ठीक है ना, ए पॉइंट से लेकर इस पॉइंट बी तक का। और स्टूडेंट ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं ऐसे ही आपसे पूछूं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है x1, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x1 था ना, ये डिस्टेंस कितना हो गया x1, ये डिस्टेंस कितना हो गया स्टूडेंट x1। और अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना, आप बोलेंगे ये है x2। तो अगर मैं बोलूं कि इसमें से आप इसको माइनस कर लीजिए तो आपके पास ये डिस्टेंस बचेगा ना, और कितनी वैल्यू रखेगा x2 - x1, मतलब इसकी वैल्यू स्टूडेंट हो जाएगी
x2 माइनस x1। हुआ क्या, जो वो ट्राइंगल था उसे मैं यहाँ डिनोट कर लेता हूँ, वो ट्राइंगल में ये आंसर आपका y2 माइनस y1 आया, ये आंसर आपका x2 माइनस x1 आया, इतना ही काम हुआ बस। ये वही पॉइंट ए था जो पॉइंट मैंने डिनोट किया, ये पॉइंट बी था, इसे आप कुछ भी बोल लें, ठीक है। आप देख रहे हैं स्टूडेंट, मैंने कहा था कि अगर ये लाइन सिमिलर है तो ये लाइन भी थीटा एंगल बना रही है ना, और अगर ये थीटा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ तो ये एंगल भी थीटा है, और अगर मैं इसमें टेन थीटा की वैल्यू निकालूं तो टेन थीटा किसे रिप्रेजेंट करता था, मैंने कहा था टेन थीटा स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब मैं इसमें टेन थीटा निकाल रहा हूं, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब टेन थीटा कितना निकल गया, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। इसका मतलब आपने प्रूव कर दिया कि टेन थीटा और वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस वन एक ही चीज है, जो कि किसकी इक्वल है, स्लोप की इक्वल है। तो ध्यान रखें, आप इस पर कंफ्यूज ना हो, अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है कि कौन एक्चुअली थीटा था, दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करते करते हैं, और इस तरह से आपने देख लिया, ठीक है। छोटा सा मैंने आपको एक सेंस बताया, क्योंकि ये आगे काम आएगा, भले अभी इसका बहुत ज्यादा यूज होना हो, एक तो इसको समझने में मदद मिलेगी, और दूसरा आपको अभी जो सिक्स्थ लेसन पढ़ना है आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहां बहुत यूज है इस बात का, जो 6.3 एक्सरसाइज हम देखेंगे, ठीक है ना। तो आना चाहिए ढंग से, ध्यान रखिए अभी से आ जाना चाहिए, एक बात तो ये हो गई स्टूडेंट। अब ध्यान रखिए कि डिफरेंशियबिलिटी के वर्ड हमारे सामने यूज हुआ है, कि डिफरेंशियबिलिटी का क्या मतलब है। अब डिफरेंशियबिलिटी का स्टूडेंट मतलब ये कि जो ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप निकला ना, क्या मतलब हुआ y2 माइनस y1 का, चेंज इन वैल्यू ऑफ y मतलब dy बोल देता हूं, और x2 माइनस x1 मतलब चेंज इन x तो dx बोल देता हूं। तो dy बाई dx बेसिकली एक स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और इसे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज जब हम सिक्स लेसन पढ़ेंगे, वहां भी मैं बताऊंगा कि dy बाई dx स्लोप कैसे आता है किसी कर्व के लिए। ध्यान रखना अभी स्ट्रेट लाइन के लिए भी समझ में आ रहा है, किसी कर्व का अगर स्लोप निकालना हो तो वो भी dy बाई dx से ही निकाला जाता है, मैं भी बताता हूं इसे, जरा आराम से समझते हैं। इतना पोर्शन आपने समझ लिया, मैंने हल्का सा एक क्विक रिवाइज कराया था स्ट्रेट लाइन पर, अब जरा देखते हैं आगे की बात। आगे की बात स्टूडेंट ये कि मैं एक छोटी सी बात ये कह रहा हूं कि किसी भी कर्व का स्लोप अगर आपको निकालना है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरा एक कर्व कोई रैंडम कर्व ही है, मैंने कहा इस कर्व का स्लोप निकालिए, तो पहले आपको प्रॉब्लम हो सकती है इस पे कि स्लोप कैसे निकाले, क्योंकि आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो इसलिए निकाला जा सकता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट है। एक बार जो स्ट्रेट लाइन ने स्लोप बना दिया, एक्स एक्सिस का जो एंगल बना दिया, ये लाइन कहां तक भी जाए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, इसका एंगल जो बना है वो फिक्स है, इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। थोड़ा ध्यान रखिए फिर आगे बताता हूं, लाइन का स्लोप कांस्टेंट रहता है, लेकिन स्टूडेंट आप देखेंगे कर्व का स्लोप कांस्टेंट नहीं है। स्लोप का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब ढाल टाइप का ना। तो आप सोचिए कि अगर आप यहां पर आपने कोई बॉल रखी तो बॉल यहां से इधर चली जाएगी, स्लोप उसको मिल जाएगा, फिर यहां से ऊपर नहीं जा पाएगी क्योंकि स्लोप डिफरेंट डिफरेंट स्लोप है, ऐसा समझ सकते हैं ना बात को। अब स्ट्रेट लाइन में अगर आप रखेंगे तो जहां पर रखेंगे एक ही तरह का स्लोप महसूस होगा, यहां पर डिफरेंट डिफरेंट स्लोप्स है। तो इसे स्टूडेंट स्लोप निकालने का मतलब होता है, अगर मैं आपको बोलूं कि स्लोप ऑफ द कर्व कैसे निकालते हैं, आराम से समझिए स्लोप ऑफ द कर्व, ये टर्म बिल्कुल यूज होने वाला है आपके साथ। स्लोप ऑफ द कर्व का फॉर्मूला होगा dy बाई dx, क्या होगा फॉर्मूला, dy बाई dx होगा फॉर्मूला। तो स्टूडेंट अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि कुछ बातें क्लियर हो। जैसे मैंने एक ग्राफ ले लिया जो कि आप जानते होंगे अच्छी तरीके से, मैंने एक ग्राफ ले लिया ये वाला, ये ग्राफ हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का, ठीक है। इस पर मैं पता करता हूँ कि इसका स्लोप क्या, अगर मैंने पता किया, मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो 2y dy by dx is equal to x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, तो dy by dx स्टूडेंट्स कितना आ गया मेरा 1 अपॉन 2y। मतलब मैं कह रहा था कि dy by dx स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, क्या पता चला कि स्लोप ऑफ द कर्व 1 अपॉन 2y आ रहा है, और आप देखकर ही बोल सकते हैं कि जो हमारा कर्व का स्लोप है वो वेरिएबल है क्योंकि y पर डिपेंड करेगा। अगर मैं किसी इस y के लिए पता करूं तो कुछ और वैल्यू देगा, मैं किसी डिफरेंट y के लिए पता करूं तो कुछ वैल्यू देगा, हर y के लिए स्लोप की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती रही, ये तो बात हो रही है, y के बदलने के साथ स्लोप बदल जा रहा है। तो एक तो मैंने बात फिजिकली कही कि अच्छा, एक और मैथमेटिकली, अगर ये तो मैंने मैथमेटिकली बता दिया, फिजिकली कैसे पहचाने कि स्लोप बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। इस कर्व का स्लोप स्टूडेंट हर पॉइंट पर डिफरेंट है, ध्यान रखें इसका स्लोप आप कभी भी किसी कांस्टेंट स्लोप नहीं निकलेगा, हर पॉइंट पर डिफरेंट स्लोप निकलेगा। जैसे मैंने इस पॉइंट पर चेक करना चाहा, स्लोप हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का निकलता है। आप इस लाइन पर क्या कर दीजिए, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए इस पॉइंट से होकर, वो टेंजेंट जितना एंगल बना रहा होगा थीटा वन, उसका टेन थीटा ले लेना, तो टेन थीटा वन आप बोलेंगे इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे मैं इसे x1 y1 कहता हूं, आप कहना इस x1 y1 पॉइंट पर स्लोप निकला। फिर आपके पास यहां पर एक पॉइंट आया, आपने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इसने जितना एंगल बनाया उसका वो स्लोप आया। तो हर पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट स्लोप आएंगे, ध्यान रखना। ये कब होता है, जब किसी कर्व को हम लेते हैं ना तो हमारा स्लोप बदलता रहता है पॉइंट के बदलने के साथ। ऐसा क्यों, मैंने आपको एग्जांपल लेके दिखा दिया, ये मैथमेटिक्स बोलता है, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग स्लोप आपका वेरिएबल है किसी कर्व का। एक एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट, आप जानते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 टाइप की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं dy बाई dx इज इक्वल टू, देखिए कितना आएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा बस, और ये कांस्टेंट नंबर है, 2 तो फिक्स है, यहां कोई x y ऐसा वेरिएबल तो नहीं आया। इसीलिए मैं कह रहा था कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, जो है वो है।
इसका स्लोप बदलेगा पॉइंट के बदलने के साथ साथ कर्व का। ये छोटी सी दो बातें समझ में आई, तो स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान रखना इस बात को कि स्लोप हमारा कर्व के केस में बदलता रहेगा, वेरिंग रहेगा और अकॉर्डिंगली बदलेगा, और यहां पर हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। समझ में आ गई बात, एक बात ये थी। ठीक है, इतना स्टूडेंट ये भी क्लियर हो गया, ये हमने समझ लिया कि स्लोप को किसी कर्व के लिए कैसे निकालते हैं, इतना हमने समझ लिया। ठीक है ना, तो किसी कर्व का स्लोप dy by dx होता है, और किसी कर्व के किसी पॉइंट पे अगर हम स्लोप निकालते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, dy by dx एट पॉइंट, जो भी आप बोले x1 y1 इस टाइप का। ठीक है, तो पॉइंट के साथ स्लोप बदलता है। अब स्टूडेंट मतलब क्या हुआ, यहां पर हमने लिखा fx इज डिफरेंशियबल एट a, b, ओपन इंटरवल a, b। मीनिंग क्या हुआ, ये a, b है कौन बेसिकली, ये मैंने बोला था ना कि ये क्या है, डोमेन वैल्यूज है फंक्शन की। मतलब क्या कि हमारा कोई फंक्शन है, मैं एक रैंडम फंक्शन बनाता हूं, फंक्शन ये है आपका कोई रैंडम फंक्शन। इस फंक्शन में ये जो इसका इनिशिएटिंग पॉइंट है जहां से हम चेकिंग कर रहे हैं वो ए है, और जो फाइनल पॉइंट पर बात हो रही है वो पॉइंट बी है, ये है ए बी एक्स की कोऑर्डिनेट्स जो कि डोमेन है ए से लेकर बी तक। इसके बीच में हमारे नंबर ऑफ पॉइंट्स लाई कर रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट ये बोला गया, अगर मेरे से बोला गया कि ये डिफरेंस कंटिन्यूटी का, तो समझ में आ गया कि इसको और इसको इंक्लूड करना है। ये क्लोज्ड इंटरवल का मीनिंग समझते हैं ना, इसे अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, एक्स इज लेसर देन इक्वल टू बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये ऐसे लिखते हैं। इक्वालिटी होल्ड करती है, मतलब एक्स क्या है, ए और बी के पॉइंट तो है, और ए और बी को भी इंक्लूड किया गया है। यहां पर मतलब होगा एक्स इज लेसर देन बी एंड ग्रेटर देन ए ओनली, ये इसका सिर्फ मतलब, ए मतलब ए। ठीक है, मतलब आपने ए और बी को एक्सक्लूड कर दिया, और हम यहां पर सिर्फ क्या देख रहे हैं, ओनली दैट पॉइंट विच आर इन बिटवीन दैट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है ना, तो उसे हम यहां पर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ये मतलब बड़ा ध्यान से इसे समझ में आना चाहिए आपको, और आप जानते होंगे इसे नंबर लाइन में दिखाते समय जब इसको दिखाते हैं ए और बी के बीच में तो इन्हें फिल कर लेते हैं, ऐसा हमने देखा था ना, और अगर यहां पर दिखाएंगे ओपन में तो ओपन में इन्हें एक्सक्लूड करने के लिए ऐसा साइन दिखाते हैं, एक सर्कल दिखाते हैं जो कि फिल नहीं रहता। ठीक है, वो एक छोटा सा नोटेशन था। तो स्टूडेंट ये दो बातें आप समझ रहे होंगे ना, तो फर्स्ट टाइम हमने जो पहली बात देखी, फंक्शन को बिल्कुल कंटिन्यूस होना चाहिए यहां से लेकर यहां तक, मतलब जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हैं ए पर भी इसका डेफिनेट आंसर आना चाहिए, बी पर भी इसका डेफिनेट आंसर आना चाहिए, तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। दूसरी बात क्या बोली गई, कंटिन्यूटी तो समझ में आ गई, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब है कि फंक्शन शुड बी डिफरेंशियबल इन ओपन इंटरवल ए एंड बी। ठीक है ना, ओपन इंटरवल इसलिए बोला गया स्टूडेंट, मतलब ये कि ए पर और बी पर डिफरेंशियबल होना जरूरी नहीं है। कहां पर जरूरी है, ए और बी के अंदर लाई करने वाले पॉइंट्स जितने भी होंगे वहां जरूरी है, लेकिन ए पर अगर डिफरेंशियबल ना भी हो तो भी चलेगा, और बी पर ना हो तो भी चलेगा। ऐसा स्टूडेंट इसलिए कहा गया क्योंकि जो एंड पॉइंट्स होते हैं आप उन एंड पॉइंट्स पर आप स्लोप नहीं निकाल सकते, क्योंकि स्टूडेंट अगर ये पॉइंट मेरे पास ऐसे गिवन है, ठीक है ना, बेसिकली कर्व कुछ इस तरह से गिवन होगा, कुछ भी तरह से हमने जो अपनी स्टडी करी वो इस पर्टिकुलर रीजन में अगर करी ए और बी पॉइंट में, और कर्व तो हमारा किसी भी तरह का था, हमें जो दिख रहा है वहां पर वो सिर्फ ये दिख रहा है, हमें ये नहीं पता कि कर्व का नेचर इसके बाद, इसके पहले क्या था और इसके बाद क्या होगा, हमें कर्व का नेचर ना इसके पहले पता है ना इसके बाद पता है। तो स्टूडेंट अगर कर्व का नेचर हमें पता होता तो हम क्या करते, इस पॉइंट पर आराम से स्लोप निकाल सकते थे ना, टेंजेंट ड्रॉ करते और स्लोप निकल जाता। लेकिन सोचिए क्या आप यहां पर स्लोप निकालने के लिए कैपेबल हैं, क्या आपको पता है कि ये कर्व किस तरह से ट्रीट करेगा, क्योंकि अगर आपने बोला कि टेंजेंट ये है, अगर मान लिया आपने सपोज किया कि टेंजेंट ये जा रहा है, तो सोचिए अगर कर्व मान लिया इस तरह से बेंट हो गया तो क्या ये किसी तरह से टेंजेंट बना इस पॉइंट पर, बिल्कुल नहीं बना। तो ध्यान रखें जो आपके बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं उन पर आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उसके पहले और उसके बाद में कर्व के नेचर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए स्टूडेंट ध्यान रखना कि अगर हमें टेंजेंट निकालना है तो पता होना चाहिए ना कि कर्व कहां तक जा रहा है, मतलब इससे पहले इसका नेचर क्या, उसके अकॉर्डिंग हम फिर अपना टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस हिसाब से। ठीक है, तो इसीलिए बाउंड्री कंडीशन जो होती है वहां पर डिफरेंशियबिलिटी को हम कंसिडर नहीं करते, वहां पर डिफरेंशियबल ना हो तो भी हमारा ये सेटिस्फाई होगा। ठीक है, ध्यान रखना कि क्यों ओपन इंटरवल कहा गया, ये इसका रीजन है। ध्यान रखना एंड पॉइंट्स पर हम स्लोप को कंसिडर नहीं कर पाते क्योंकि हमें स्लोप का नेचर नहीं पता होता इन पॉइंट्स पर, कि स्लोप का मतलब कर्व का। ठीक है ना, इसीलिए हम वो करते हैं। एक बात ये समझ में आ गई। थर्ड स्टूडेंट जो थिंग है वो है कि FA is equal to FB। अब जरा आराम से समझना, मेरे पास कोई कर्व है, मैं सपोज करता हूं मेरा कर्व ये है, इस कर्व का मैंने नाम दे दिया Y is equal to FX। बड़े आराम से समझना, ठीक है ना, कुछ भी कर्व होगा एक नाम दे दिया ऐसा टाइप का। अभी जरा डिस्कस करते हैं इस पर, ये वाई है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। स्टूडेंट यहां पर क्या बोला गया, ये आपका जो पॉइंट दिख रहा है ये आपका पॉइंट है पॉइंट ए जो लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर, मतलब डोमेन पॉइंट है, ये पॉइंट बी डोमेन में लाई कर रहा है। ठीक है ना, ये ए और बी पॉइंट है। ये स्टूडेंट जो आपको मिला, आपने क्या देखा कि पॉइंट ए के कोरस्पॉन्डिंग इसकी हाइट कितनी है, मतलब पॉइंट ए के कोरस्पॉन्डिंग कर्व कहां पर मीट करता है, तो आपको पता चला इस हाइट पर मीट करता है। तो ये वाई कैसे निकलता है, एक्स की वैल्यू डाल देने, जैसे अगर एक्स की वैल्यू मेरी 2 होती तो मैं यहां फंक्शन में 2 डाल देता एक्स, तो मेरा वाई निकल जाता। अभी एक्स की वैल्यू कितनी है ए, तो इसका मतलब ये स्टूडेंट जो ये इतना आपको दिखाई दे रहा है ना पोर्शन, इसकी वैल्यू कितनी है एफ ऑफ ए, ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। बड़े आराम से समझिए, ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है ना,
वाई किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ एक्स को, मतलब एक्स की वैल्यू वहां पुट कर दो वाई निकल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं ये वाली वैल्यू निकालना चाहता हूं तो ये निकलेगी एफ ऑफ बी, और बेसिकली आप देख रहे होंगे कि ये और ये एफ ए, एफ ए एंड एफ बी बोथ आर इक्वल, तो यहां पर इनकी वैल्यू यहां कहीं पर दिख रही होगी हमें, क्योंकि वाई एक्सिस में दिखेगी ना कितनी हाइट पर है, तो यहां पर जो हमें दिखेगा वो ये दिखेगा, एफ ए भी दिखेगा और एफ बी भी दिखेगा, दोनों के आंसर क्योंकि सिमिलर है। इस पर्टिकुलर कर्व के लिए हमने देखा ना, इस पर्टिकुलर कर्व के लिए जितनी लेंथ ए के करस्पॉन्डिंग मिली है उतनी लेंथ वर्टिकल वाई के करस्पॉन्डिंग बी के करस्पॉन्डिंग मिल रही है। इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थर्ड वाली। अब देखते हैं क्या ये कर्व बाकी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन बिल्कुल कंटिन्यूस है, यहां से लेकर यहां पर कोई भी ब्रेक नहीं हुआ, हर पॉइंट पर ए और बी के किसी ना किसी पॉइंट पर कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है, कंटिन्यूस है। डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो हर पॉइंट पर आप आराम से टेंजेंट ड्रॉ करके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। एक और बात जरा डिफरेंशिएबल के बारे में बता दूं स्टूडेंट, सोचिए जरा हमारे पास एक फंक्शन है वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस टू, जरा ऐसे समझिए जरा, एक फंक्शन ये है, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में एक और अप्रोच है, डीवाई बाई डी एक्स आपने निकाला, इसका डिफरेंशिएशन करके रिजल्ट कितना आएगा, वन अपॉन टू रूट एक्स प्लस टू आएगा ना स्टूडेंट। आप देखेंगे कि अगर यहां पर एक्स की वैल्यू माइनस टू रख दी तो रिजल्ट होल रिजल्ट कितना हो जाएगा, डीवाई बाई डी एक्स इन्फाइनाइट हो जाएगा। इन्फाइनाइट का मतलब डीवाई बाई डी एक्स कोई वैल्यू नहीं आएगी, इसका मतलब नॉन डिफरेंशियबल हो गया है फंक्शन। तो ये फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल कब हुआ, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू पर नॉन डिफरेंशियबल हो गया। ध्यान रखिए कंटिन्यूटी की बात नहीं चल रही यहाँ पर, अगर कंटिन्यूटी की बात चलती तो आप बोलेंगे कि माइनस टू रखने पर तो जीरो हो रहा है, कंटिन्यूस तो है ये, इससे कंटिन्यूटी का कोई मतलब नहीं है। कंटिन्यूटी सिर्फ ये देखकर दी जाती है कि वाई आपका दे रहा है वैल्यू नहीं दे रहा, माइनस टू पर बिल्कुल वैल्यू दे रहा है तो कंटिन्यूस तो है फंक्शन। लेकिन डिफरेंशियबल देखने के लिए उसका डेरिवेटिव लेकर आप चेक कर सकते हैं कि कहां पर वो डिफरेंशियबल नहीं है, पता चल रहा है कि ये फंक्शन हमारा एक्स इज इक्वल टू माइनस टू पर डिफरेंशियबल नहीं है लेकिन कंटिन्यूस है। इसीलिए ध्यान रखें एक इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आगे यूज करूंगा वो ये मैंने पहले भी बोली है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशियबल हो ही हो, जैसे कि ये एक्स इज इक्वल टू माइनस टू पर कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशियबल नहीं है। लेकिन जो फंक्शन एक बार डिफरेंशियबल हो गया तो ध्यान रखना वो कंटिन्यूस होगा ही होगा, किसी पॉइंट पर अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूस होगा ही होगा, ध्यान रखना। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप मॉड एक्स को भी समझ सकते हैं, जो वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स है, ये मॉड एक्स का ग्राफ स्टूडेंट ऐसा टाइप का होता है, एक शार्प ग्राफ बनता है वी का ओरिजन पर मॉड एक्स का। ध्यान रखना ये नॉन डिफरेंशियबल फंक्शन होता है लेकिन कंटिन्यूस है, कहां पर नॉन डिफरेंशियबल है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर ये नॉन डिफरेंशियबल होता है। एक्स इज इक्वल टू जीरो पर कैसा होता है स्टूडेंट्स, नॉन डिफरेंशियबल होता है मॉड एक्स का फंक्शन, लेकिन x इज इक्वल टू जीरो पर आप देख रहे हैं डेफिनेट वैल्यू मिल रही है, मतलब कंटिन्यूस तो है ये, तो कंटिन्यूस तो है मॉड x लेकिन डिफरेंशियबल नहीं है, कहां पर, एट x इज इक्वल टू जीरो। मैंने एक तरीका भी बताया है कि अगर आपको कभी डिफरेंशियबिलिटी बतानी हो तो ध्यान रखना जहां पर शार्पनेस आ जाती है वो फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल हो जाता है, जिसे शार्पनेस आई ना नॉन डिफरेंशियबल। लेकिन अगर मेरे पास ये पैराबॉलिक फंक्शन होता, पैराबॉलिक फंक्शन इस तरह का, ध्यान रखना पैराबॉलिक फंक्शन स्टूडेंट डिफरेंशियबल भी है कंटिन्यूस भी है एट पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो पर, क्योंकि ये शार्प नहीं है, ध्यान रखना ये स्मूथ बनता है यू की तरह, ये बनता है वी की तरह। तो जो कर्व, एक मैं हीट एंड ट्रायल बता रहा हूं, जो कर्व आपका शार्प होता है जहां पर शार्पनेस आती है ध्यान रखना वहां पर नॉन डिफरेंशियबल हो जाता है, ये आप एज अ हिंट ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों में डिफरेंस ऐसे समझ सकते हैं, तो कुछ बातें जो मैंने और बताई डिफरेंशियल वैल्यू में इन्हें भी ध्यान रखें, ठीक है ना। इतना स्टूडेंट आप समझ गए, अभी आते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो हमारा चल रहा है। मैंने इस कर्व को देखा, ये कंटिन्यूस है, ये डिफरेंशियबल भी है क्योंकि हर पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कैपेबल है। बाकी तो डिसीजन हम कर्व की नेचर देख के लेंगे, कर्व की इक्वेशन क्या है उससे भी काफी रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है ना, डिफरेंशियबल है स्टूडेंट। थर्ड पॉइंट हमने देखा एफ ए और एफ बी भी इक्वल है, मतलब ऑल थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड हियर। तो अकॉर्डिंग टू द रॉलेज थ्योरम देयर शुड बी अ पॉइंट एग्जिस्ट इन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी फॉर विच द वैल्यू ऑफ एफ डैश सी विल बी इक्वल टू जीरो। ऐसा होना चाहिए रॉलेज थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो हम देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं स्टूडेंट। पहले समझते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स कंडीशन है ना हमारी इक्वेशन, है ना। अगर मैं बोलता हूं कि दोनों तरफ मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये dy बाई dx हो गया, और आप जानते हैं मैंने बहुत बार यूज किया है, पहले क्वेश्चन में भी कहीं पर यूज हुआ था, मुझे एक्जैक्टली याद तो नहीं है लेकिन उसका आंसर 120 आ रहा था, याद है कोई क्वेश्चन कहीं पर आया था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से एक्सरसाइज में था, जहां एफ डैश टाइप का कुछ हुआ था। तो स्टूडेंट एफ एक्स जो है, एफ एक्स का डेरिवेटिव अगर लेना है तो उसे एफ डैश एक्स करके दिखाते हैं ना, आपको मैंने बताया कि डैश लगाए थे तो डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव, डबल डैश लगाए थे तो डबल डेरिवेटिव, तो ये आपका सिंगल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है डीवाई बाई डीएक्स, क्लियर हो गया इतना। तो डीवाई बाई डीएक्स हमारा सिंगल डेरिवेटिव, इसका मतलब एफ डैश एक्स किसे रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव को। अगर मैंने कहा कि एक्स की कोई वैल्यू ऐसी मैंने सपोज की जो जिसकी वैल्यू सी है, मतलब मैं कह रहा हूं कि x इज इक्वल टू मैं c पर चेक करना चाह रहा हूं, तो x c रख दूंगा तो मेरा आंसर f डैश सी आ जाएगा। f डैश सी किसे रिप्रेजेंट करेगा, f डैश सी रिप्रेजेंट करेगा स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट x इज इक्वल टू c, स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट x इज इक्वल टू c। c पर x इज इक्वल टू c पर आप कर्व पर पहुंचेंगे तो आपको इसका पॉइंट का नाम क्या मिलेगा, आप बोलेंगे c, fc, c, fc, क्लियरली यही बोलेंगे ना, c, fc।
ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट c हो गया, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, x के प्लेस पे c रख के देखेंगे तो fc। तो स्टूडेंट्स इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, रोलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग, इस पॉइंट पर पॉइंट c कोई ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पर अगर आप कर्व में एक टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है ना, एक कर्व में क्या करें स्टूडेंट, एक टेंजेंट ड्रॉ करें, तो आप देखेंगे टेंजेंट कैसा बना, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। और मैंने अभी आपको बताया था टेंजेंट का एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा, और उसने हमारा पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल जीरो डिग्री है, टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, पता चल रहा है कि उस लाइन का स्लोप जीरो है। और रोलेज थ्योरम भी यही कहती है, रोलेज थ्योरम के अकॉर्डिंग भी एक पॉइंट ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको पॉइंट सी, जिसके लिए अगर आप स्लोप बनाएंगे उस पॉइंट पर तो वो स्लोप पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस मतलब कि अपनी वैल्यू जीरो देगा, वैनिश हो जाएगा स्लोप, स्लोप जीरो हो जाएगा। ये एक स्टेटमेंट है इसका, रोल इसका स्टूडेंट समझ में आनी चाहिए बात, ठीक है ना, पूरी क्लियरली बात समझ आ गई। एफ डैश सी रिप्रेजेंट किसे कर रहा है, स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी पर, एक्स इज इक्वल टू सी पर। ध्यान रखना सी का मिड में ही होना जरूरी नहीं है, मैं एक आध एग्जांपल लेता हूँ, थ्योरम हमारी कवर हो गई। और ध्यान रखना इसकी प्रूविंग बहुत ज्यादा हमें डिस्कस नहीं करना, जितना है इतना ही है बस, ठीक है, वेरिफिकेशन टाइप का जो मैंने आपको दिखाया। इसे ध्यान रखना स्टूडेंट, इसे हायर स्टडी में भी आपने इसे स्टडी करना पड़ता है, हायर क्लासेस में, ठीक है। मैं एक आध कुछ बातें बता देता हूँ और जिससे कि आपको रोलेज थ्योरम में कुछ फीलिंग्स आ जाए। जैसे कि देखिए ये मैंने कहा स्टूडेंट्स, आपके पास जो कर्व था मैंने बनाया था वो ऐसा भी हो सकता था, इस टाइप का कर्व होगा, ये पॉइंट आप देखेंगे, ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट ए हो गया। ध्यान रखना इसे ए नहीं बोलते हैं और ना ही इसे बी बोलते हैं, ए और बी यहां लाई करते हैं एक्स में और वाई में, सॉरी एक्स एक्सिस में। इसके कोरस्पॉन्डिंग मैं ज्यादा नहीं लिख रहा यहाँ पर, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये रिजल्ट और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये रिजल्ट, दोनों रिजल्ट सेम है, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशियबल है, बात क्लियर। ये फंक्शन आप कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट सी मिल ही जाएगा जिसके लिए आप चेक करेंगे कर्व में स्लोप आपका पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस मतलब एफ डैश सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ऐसा ही कर्व स्टूडेंट आपका ये भी हो सकता है। ध्यान रखना कि सी की वैल्यू जरूरी नहीं है एक ही मिले, सी की वैल्यू मोर देन वन मिल सकती है, मतलब आपका कर्व इस पॉइंट ए से डिफाइन था और इस पॉइंट बी तक था। आप देखेंगे यहां पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक पॉइंट यहां लाई कर रहा है, इसे सी वन बोल लीजिए, जिस पर आप देखेंगे कर्व कितना क्या हो गया, जीरो हो गया। यहां भी एक पॉइंट लाई कर रहा है ए और बी के बीच में एक्स एक्सिस में डोमेन में, जिसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू स्लोप की जीरो हो जा रही है। एक पॉइंट यहां भी लाई कर रहा है जिसके कोरस्पॉन्डिंग स्लोप जीरो हो जा रहा है, मतलब तीन पॉइंट यहां लाई कर रहे हैं ऐसा करके, ठीक है ना। मोर देन वन वैल्यू भी सी की हो सकती है, जरूरी नहीं है एक ही वैल्यू इस बात को सेटिस्फाई करे। क्लियरली समझ में आ रहा है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं फटाफट, फिर आगे की बात करते हैं, बाकी हम सारा का सारा कर लेंगे अपनी एक्सरसाइज में। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर स्टूडेंट हमारी एक इक्वेशन है, अगर मैं बोलूंगा ये बनेगा कैसा कर्व, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई का है, फिजिक्स में बहुत यूज करा है कि जब y वन है x टू है, ऐसी इक्वेशन पैराबोला की होती है, मैंने डिस्कशन किया ना इसका बहुत बार फिजिक्स में, जो पावर कम रखता है उसके अलाउंग आपका पैराबोला जाता है, मतलब आपका पैराबोला इस तरह का है, शार्पनेस मत रखना क्योंकि शार्पनेस का मीनिंग आप समझ गए बहुत बड़ा मीनिंग है, नॉन डिफरेंशियबल बना देगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आप देखते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है हर पॉइंट पर, अगर मुझसे बोला गया कि मुझे पता करना है कि किसी डेफिनेट पॉइंट पर, जैसे मुझे बोला गया एक्स इज इक्वल टू, मुझे बोला गया एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट देखिए 1 to 4 पर, अगर मुझे बोला गया एक्स इज इक्वल टू 1 to 4 पर मुझे चेक करना है कि क्या रोलेज थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, मैं क्या करूंगा, ये कर्व मेरा ऐसे करके जा रहा है ना, यहां से मेरा कर्व था एक्स इज इक्वल टू 1 to 4 पर, मुझे कुछ देखना है, मैं 1 पॉइंट मेरा कहीं यहीं कहीं होगा 4 पॉइंट, अच्छा ये तो लैग्रेंजियन का हो जाएगा, ध्यान रखिए ये तो लैग्रेंजियन में हो जाएगा, जो इसके बाद की एक्सरसाइज करनी है ये उसमें हो जाएगा, फिलहाल इसमें देखते हैं बातें क्या क्या सेटिस्फाई हो रही है। मैंने एक पॉइंट स्टूडेंट यहां पर लिया, इसकी वैल्यू मैंने लिखी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एक पॉइंट मैंने यहां लिया उसकी वैल्यू मैंने लिखी एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है। मान लिया ये 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, मतलब ये जो पैरामीटर गिवन था, जो फंक्शन गिवन है, हमें कहां से कहां पर गिवन है, माइनस वन टू वन पर गिवन है, ठीक है। इससे पहले जो मैंने मिस्टेक किया था वो एक्चुअली इसके बाद वाली थ्योरम पर एप्लीकेबल होगा, आप यहां से समझे, फंक्शन ऐसे गिवन है जो y इज इक्वल टू fx टाइप का था वो ऐसे गिवन है, यहां पर जो आपका x है वो इन पर बिलोंग कर रहा है, आपका जो डोमेन है वो ये है। अब आप देखेंगे कि ये फंक्शन बिल्कुल क्या है, कंटिन्यूअस, क्योंकि कोई भी वैल्यू आप इस पर रख ले x की इस बीच में तो बिल्कुल कोई ना कोई आंसर मिलेगा। डिफरेंशियबल भी ये है क्योंकि आप चाहें तो ऐसे चेक कर लें, dy by dx निकाल लें और 2x आंसर आएगा, और 2x कहीं पर भी हटेगा नहीं, मतलब ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इसे नॉट डिफाइन कर दे, अगर ये अपॉन में आया तो फिर चांस बनते, इसलिए डिफरेंशियबल भी ये है, ऐसे आप चेक कर सकते हैं मैथमेटिकली, ठीक है ना। डिफरेंशियबल भी है, कंटिन्यूस भी। अगर मैं चेक करता हूं एफ एक्स माइनस वन पर वैल्यू, माइनस वन पर अगर मैं वैल्यू रखता हूं एक्स की प्लेस पे माइनस वन, क्योंकि बेसिकली एफ एक्स ही तो है वाई, अगर मैं एक्स की प्लेस पर माइनस वन रखता हूं स्क्वायर करके वाई की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आएगी, वन, और अगर मैं एफ की प्लेस पर वन रखता हूं तो स्क्वायर करके वैल्यू वाई की वन ही आएगी, मतलब की वैल्यू ऑफ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अकॉर्डिंग टू द रोलेज थ्योरम, if all three conditions are satisfied here, then there must be a point exist in between point a and point b for which the value of f dash c become equal to 0, aisa bola gaya tha rolez mein। to hum dhoondte hain kya f dash c, pehle to f dash x ko nikal lete hain,
हमें आराम से एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो को पुट करना है क्योंकि हम कैपेबल हैं, क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब एफ डैश एक्स निकालने के लिए स्टूडेंट एफ एक्स आपका ये है, एफ डैश एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स मतलब 2x। और अगर मुझे सी पॉइंट पर, किसी पॉइंट सी पर चेक करना है, कोई भी पॉइंट होगा, मुझे पता नहीं वो पॉइंट का है, वो निकल के आएगा। एक्स के प्लेस पर मैं सी रखूंगा तो ये जीरो हो जाना चाहिए रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि तीनों कंडीशन हो गई तो ये होना ही होना चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो आप एक्स के बेस पे सी रखिए एफ डैश सी, तो यहां सी रखा तो वो भी सी करना पड़ेगा, 2c हो जाएगा, और रॉलेस के अकॉर्डिंग इसको जीरो हो जाना चाहिए, तो मतलब ये जीरो हो जाएगा, तो सी की वैल्यू जीरो आएगी। मतलब ये बता रहा है कि ऐसा पॉइंट जहां पर, जिसकी आप बात कर रहे थे, जहां पर आपका एफ डैश एक्स वैनिश हो जाएगा, एफ डैश सी वैनिश हो जाएगा, वो पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर है, मतलब सी की वैल्यू वहां जीरो पर है, सी इज इक्वल टू जीरो मतलब इसके बीच में ये एग्जैक्टली सी। तो आप देखेंगे यहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, मतलब यहां पर टेंजेंट आपका जो स्लोप है वो वैनिश हो रहा है, एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है। ये एक छोटा सा इसका वेरिफिकेशन है रॉलेस थ्योरम का। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी मैंने रॉलेस थ्योरम को डिस्कस किया, इसके जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उसे मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ मीन वैल्यू थ्योरम को, फिर उसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चन इस पर बेस्ड। ठीक है ना, इन बातों को बड़े आराम से समझे, सारी बातें मैंने जितनी पॉसिबल बातें थी कही, ठीक है ना, टाइम क्योंकि मैंने जितना कहना था इस पर मैंने आपको बता दिया रॉलेस थ्योरम के बारे में। मीन वैल्यू थ्योरम जो होगी इसके बाद हम उसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम करने के बाद फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए क्या हो। ध्यान रखना जो सी आया ना आपका, वो सी कहां बिलोंग करना चाहिए, इन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, माइनस वन और वन के बीच में कहीं, माइनस वन और वन नहीं हो सकते, ध्यान रखना माइनस वन और वन नहीं हो सकते, इनके बीच के कोई पॉइंट एक्सक्लूडेड है माइनस वन और वन, और आप देख रहे हैं जीरो पॉइंट के बीच में आ रहा है, तो आप लिख लेना सी जीरो बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ठीक है ना, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, तो आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी पूरी कंडीशन। तो स्टूडेंट ये थे आपका, दिस इज ऑल अबाउट रॉलेस थ्योरम। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।